assalamu alaikum everyone dear students this is your countdown class and i am your countdown teacher well students jaisa ki aap log jante hain ki planning ke accordingly aapka syllabus complete ho chuka hai so ab hum apni revision start karenge last class mein maine aapko time diya ki aap apna previous task complete kar saken aur iske साथ sath humne tables revise kiye so ab hum apni revision start karenge and for this you have to open your countdown book page number 80 ये स्टूडेंट्स एट पेज नंबर एटीन यूनिट नंबर फाइव विच इज़ अबाउट डिवीजन डिवीजन क्या होता है डिविज़न मीन्स uh, किसी चीज़ को शेयर करना इक्वली ठीक है मतलब अगर फोर एक्स हैं और आपके पास टू uh, पर्सन हैं तो आपने उन टू पर्सन में वो फोर एक्स इक्वली शेयर करने हैं तो आप क्या करेंगे कि आप टू एक्स एक पर्सन को दे देंगे और टू एक्स दूसरे पर्सन को दे देंगे तो आपने देखा कि दोनों पर्सनस के पास सेम क्वांटिटी है मीन सेम एक्स के टू एक पर्सन के पास और टू दूसरे पर्सन के पास तो इसको कहेंगे शेयरिंग इक्वली सो स्टूडेंट्स पेज नंबर एटी पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके बाद हम नेक्स्ट पेज करेंगे अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप नेक्स्ट पेज ईजिली सॉल्व कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट डिविजन और शेयरिंग इक्वली ट्वेंटी फ़ोर एप्पल्स आर शेयर इक्वली बिटवीन टू बॉयज़ जमाल एंड हाउ मनी एप्पल्स डज ईच बॉय गेट अब वो ये कह रहे हैं कि टोटल एप्पल्स कितने हैं ट्वेंटी फ़ोर और कितने पर्सनस हैं जिनके दरमियान आपने शेयरिंग करनी है टू बॉयज़ विचार जमाल एंड अब आपने ये बताना है कि जमाल एंड आलम दोनों को सेपरेटली कितने एप्पल्स दिए जाएंगे सो so, ट्वेंटी फ़ोर एप्पल आर शेयर इक्वली बिटवीन टू बॉयज़ अगर आपने ट्वेंटी फ़ोर एप्पल्स को टू बॉयज़ में शेयर करना है तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स विच आर ट्वेंटी फ़ोर उसके बाद डिवाइड का साइन दैन कितने बॉयज़ में शेयर करना है टू देन आप टू लिखेंगे अब आपने ये देखाना है कि आपको टू uh, कितने टाइम्स ट्वेंटी फ़ोर होते हैं मीन्स टू के टेबल में ट्वेंटी फोर कब आता है सो so, स्टूडेंट्स टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सो इट मीन्स एज वाई गेट्स ट्वेल्व एप्पल्स इसका मतलब है कि हर लड़के को दोनों जो लड़के हैं जमाल एंड आलम दोनों को कितने कितने एप्पल दिए जाएंगे ट्वेल्व ट्वेल्थ नाउ कम टू नेक्स्ट ट्वेल्थ बनानास आर शेयर इक्वली बिटवीन थ्री चैम्पियस अब बनानास की बात हो रही है तो कितने बनानाज हैं टोटल ट्वेल्व और कितने चैम्पियज हैं जिनमें वो ट्वेल्व बनाना शेयर करने हैं थ्री हाउ मनी बनानज डज ईच चैम्पन्जी गेट आपने बताना है कि हर चैम्पियजी को कितने बनानास दिए जाएंगे ट्वेल्व बनानाज आर शेयर इक्वली अमंग थ्री चैम्पियज तो आपने करना क्या है आपने लिख आपने बताना है कि ट्वेल्व बनानाज हैं और चैम्पियज कितने हैं थ्री सो इट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ़ बनानाज आपने लिखे डिवाइड का साइन पुट किया देन आपने बताया कि कितने चैम्पियंज के दरमियान डिवाइड करना है थ्री सो so, अब आपने देखना है कि थ्री कितने टाइम्स आपको ट्वेल्थ देगा मीन्स थ्री के टेबल में ट्वेल्थ कब आता है सो स्टूडेंट्स थ्री फोर आर ट्वेल्व इट मीन्स कि हर चैम्पियंजी को कितने बनाना दिए गए फोर ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू लास्ट एट नर्ट्स आर इक्वली बिटवीन टू हाउ मेनी नर्ट्स Does each squirrel get eight nuts shared equally between two squirrels is equals to eight divided by two is equals to four. Each squirrel gets four nuts. Okay students अब ये कहा गया है squirrel कहते हैं गुलाबरी को so uh, nuts means uh, जो आपके अखरोट वगैरह हैं ठीक है अखरोट को nut बोलेंगे so students यहाँ पर अब क्या है कि nuts कितने हैं eight और स्क्रेल कितने हैं गहरियाँ कितनी हैं टू है, तो एट नट्स को आपने डिवाइड करना है टू uh, स्क्रोवेल्स के दरमियान तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले आपने नंबर ऑफ नट्स लिखा आर एट फिर डिवाइड का साइन पुट किया फिर टू इट मीन्स के टू कितने टाइम्स आपको एट देगा टू के टेबल में एट कब आता है सो स्टूडेंट्स टू फोर जट इट मीन्स कि uh, तो जो स्क्रूल्स हैं उनको फोर फोर नट्स दिए जाएंगे ओके स्टूडेंट्स होप दिस विल पेज इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउकम टू पेज नंबर एटी वन अब पेज नंबर एटी वन पर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ डिवीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप और आपको स्पेस जो है वो फिल करनी है सो so, करना ये है आपने ए पार्ट को देखते हैं आपने बताना ये है एट डिवाइडेड बाई टू मीन्स टू के टेबल में एट कब आता है टू कितने टाइम्स गिव यू एट सो स्टूडेंट्स टू फोर ज़ा एट फोर इज़ योर आंसर सो फोर को आपने स्पेस में लिखना है नाउ कम टू फोर्टीन पार्ट जी पार्ट जी में अगर आप देखें फोर्टीन डिवाइडेड बाई सेवन मीन्स सेवन कितने टाइम्स आपको फो फोटीन देगा सो सेवन टू ज़ा फोरटीन इट मीन्स कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है टू इसी तरीके से आपने इस पेज को फिल करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से ओके okay, स्टूडेंट्स जिन बच्चों का पेज नंबर एटी वन कम्प्लीट नहीं है वो पहले इसको कम्प्लीट करेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे नाउ कम टू पेज नंबर एटी टू स्टूडेंट्स ए पेज नंबर एटी टू पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी अभी आप नेक्स्ट uh, जो पेज करेंगे वो है पेज नंबर एटी थ्री पेज नंबर एटी थ्री में आपने क्या करना है पहले डिवीजन करनी है उसके बाद उसको चेक करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन करना है सो so, डिवीजन कैसे करनी है और मल्टीप्लाई किन नंबर्स को करना है या आप अच्छे तरीके से देख लें स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स पार्ट ए में देखें तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स पहले आपने ये बताना है कि सिक्स कितने टाइम्स आपको थर्टी सिक्स देगा मीन्स सिक्स के टेबल में थर्टी सिक्स कब आता है सो so, स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं सिक्स सिक्स सर थर्टी सिक्स होता है सो सिक्स इज़ योर आंसर तो आपने सिक्स यहाँ लिखा इसके बाद चेकिंग में आपने क्या करना है चेकिंग में आपने ये जो लास्ट डिजिट है इसको इज इस इजिक्वस टू के जो दूसरे राइट साइड पे जो नंबर है इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है सिक्स सिक्स टाइम्स गिव्स यू थर्टी सिक्स नौकम टू पार्ट बी पार्ट बी में अगर आप देखें तो फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव अगेन आपने देखना है कि फाइव के टेबल में फोर्टी फाइव कब आता है सो so स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं फाइव नाइन जॉ फोर्टी फाइव होता है नाइन इज़ योर आंसर सो आपने नाइन को यहाँ पर लिख लिया इसके बाद आपने फ़ाइव एंड नाइन को मल्टीप्लाई किया तो so अगेन आपके पास क्या आंसर आ गया फोर्टी फाइव नौकम टू पार्ट सी पार्ट सी में अगर आप देखें तो ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फोर मीन्स फोर के टेबल में ट्वेंटी एट कब आता है सो फोर सेवन जो ट्वेंटी एट सेवन इज योर आंसर सो आपने ये लिख लिया इसके बाद आपने फोर को मल्टीप्लाई किया अगर सेवन के साथ तो आपको अगेन क्या आंसर मिला ट्वेंटी एट सो ये आपने चेकिंग पोर्शन लाजमी फिल करना है और इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं वेल स्टूडेंट्स नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइन दिस sums टू correct टू द correct आंसर अब आपने क्या करना है आपने यहाँ आपको यहाँ पर टेबल्स दिए गए हैं और उन टेबल्स के आंसर आपको यहाँ सर्कल्स में दिखाई दे रहे हैं तो जो आपको टेबल्स दिए गए हैं यहाँ पर डिवीज़न हो रही है आपने आंसर फाइंड आउट गर करके करेक्ट आंसर के साथ टेबल को मैच करना है जैसे आप जो फर्स्ट आपका टेबल है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एटी डिवाइडेड बाई टेन सो टेन के टेबल में एट्टी कब आता है टेन एट जार एटी एट इज योर आंसर सो इसको आपने एट के साथ मैच कर दिया नेक्स्ट में देखें तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर मींस फोर के टेबल में ट्वेंटी कब आता है फोर फाइव से ट्वेंटी सो आपने इस टेबल को इस क्वेश्चन को फोर किसके साथ मैच कर दिया फ़ाइव के साथ आपने फ़ाइव को फाइंड किया और इसके बाद साथ आपने इसको मैच कर दिया सो so, स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने डिवीजन करनी है और साथ साथ आंसर्स के साथ इनको मैच करना है अगर आपको टेबल्स अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुके हैं तभी आप इन क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स टूडेज़ योर टास्क इज़ डू प्रैक्टिस ऑफ पेज नंबर एट्टी एंड एटी पहले आपने पेज नंबर एटी को अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद फिर आपने जो प्रैक्टिस के पेजेस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है